है, वो मैं तो उसी हिसाब से नंबर दूंगा ना जो लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। किस्से कहानियों पे तोता मैना की कहानियां अगर आप लिखेंगे, रजिया भट्ट के नॉवेल अगर आप लिख देंगे, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे, रजिया भट्ट के नॉवेल से। जो काम की चीज होगी उसके ऊपर मैं नंबर दूंगा। जो सवाल पढ़ लीजिएगा, टू द पॉइंट उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? ये है आपके लिए। ये आज आपकी आखिरी क्लास है जी। पिछली दफा हम ये बात कर रहे थे कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर कि क्या होते हैं। हम यहां तक आए थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कदम रखते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे बाज ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वी आर ए फैमिली, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है? बाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर होता है कि आप अपने सीनियर के कमरे में अगर आप जा रहे हैं तो दरवाजा नॉक करके आप जाएंगे। बाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन कल्चर होता है, हॉल के अंदर सब बैठते हैं, बॉस का कमरा शीशे का होता है, वो हर एक को देख रहा होता है। तो आपको जब आप किसी नई जगह जाएं, पहले आपको उस कल्चर को, जब आप ट्रेनी हो या शुरू में ज्वाइन करें, तो उस वक्त आपको उसको कल्चर को समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? बाज पीपल ऐसे आपको जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनको अगर आप सर कह के बात नहीं करेंगे तो वो आपके करियर को बड़ा गर्क कर देंगे। यानी वो इतने स्टेटस कॉन्शियस होते हैं कि जी हम 25 साल मेहनत करके जो हम इस लेवल पे आए हैं, तो ये देखो जी इस तरीके से बात कर रहे हैं हमसे, इसको तमीज नहीं है बात करने की। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है, ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि किसी भी इदारे के अंदर आप चले जाएं तो आपको एक MD या CEO मिलेगा, उसके नीचे 2-4 DMD होते हैं। ये मैं जनरली गवर्नमेंट की और कॉर्पोरेशन की बात बता रहा हूँ। फिर जनरल मैनेजर्स होंगे, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, तो 7 या 8 लेवल होते हैं किसी भी इदारे के अंदर, बल्कि 9 लेवल होते हैं। तो उन लेवल्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एंट्री जो होती है लोएस्ट लेवल के ऊपर होती है, ठीक है ना? उसको समझेंगे आप, और उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन उसको समझ के कि आपने पीयर से कैसे बात करनी है, अपने जो थोड़ा मैनेजर लेवल के लोग हैं उनसे किस तरीके से बात करनी है, और उससे ऊपर जो लोग हैं उनसे किस तरीके से बात करनी है, मीटिंग्स के अंदर किस तरीके से बिहेव करना है। ये आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा कि मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, या जैसे प्रेजेंटेशन करने को कहा जाएगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या क्या बुनियादी बातें होती हैं, किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, वो आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है ना, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के बाद आपको अपना क्लाउड बनाना पड़ता है। क्लाउड बनाने के 2 बड़े आसान तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो आप में से नमाजी है ना, उनका खुद ब खुद क्लाउड बन जाता है। अगर आपने जोहर की नमाज आप जमात से पढ़ रहे हैं, असर की जमात से पढ़ रहे हैं, तो लोग आपको चेहरे से पहचानना शुरू कर देंगे। किसी को नहीं पता होगा ये जो नया बंदर आया है ये कौन है, लेकिन चेहरा आपका सबके जहन में चला जाएगा कि हाँ ये बंदा है जो हमें नमाज में मिलता है। अच्छा, जब कभी आप किसी मीटिंग में जाएंगे या किसी काम से उसकी टेबल पे जाएंगे, तो सबकॉन्शियसली वो रिकॉल कर लेगा कि ये बंदा मेरे साथ नमाज पढ़ता है। तो इससे आपको एक एडवांटेज हो जाता है कि वो उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिस काम से भी आप हैं, जो बात भी आप कर रहे हैं, वो थोड़ी तवज्जो देके सुनते हैं। दूसरी चीज जो मैंने नोट की है कि वो लोग जो न्यू एंट्रेंट हैं और अपना ग्रुप बना के फिर रहे होते हैं ना, एक बर्ड ऑफ द सेम फ्लॉक, वो हमेशा नाकाम होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनके वही दोस्त जो यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के होते हैं, उन्हीं तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, उन्हीं तरह की सोच होती है, उनके दिमाग नहीं खुलता। अगर आप कैफेटेरिया में जाके किसी भी अननोन लोगों के साथ जाके बैठ जाएं और जाके सलाम करके चुपचाप बैठ जाएं, उनकी बातें सुने, यू विल लर्न सो मच। 20 मिनट 25 मिनट के जो खाना खा रहे होते हैं वो लोग जो बातें कर रहे होते हैं, 90% ऑफ द टाइम कोई सोशल बात नहीं हो रही होती, कंपनी की बात हो रही होती है। उसमें आपकी जो नॉलेज बढ़ती है कंपनी की, कंपनी के प्रोसीजर्स की, कंपनी के वर्क की, तो ये होता है। तो ये आपको लोगों के साथ एक तो सोशलाइजिंग के हेल्प करती है, लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं, कल को लोग आपकी बात तवज्जो से सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शुरू के 1-2 साल आपको रगड़े लगते हैं, तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि आपकी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी आए। तो ये उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो 2 तरीके मैंने आपको बताए, ये मैंने खुद रगड़े खा के सीखा है कि ये तरीका होता है। तो अदरवाइज तो आप किसी भी इदारे में जाए ना, तो इसकी मिसाल मैं हमेशा वही देता हूँ, खैबर मेल ट्रेन की ना, कि खैबर मेल ट्रेन को अगर कभी आप सफर करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कराची से जो लोग बैठ के चलते हैं ना, वो एक बॉन्ड बन जाता है उनके दरमियान, ठीक है?
अच्छा, हैदराबाद से कोई घुसने की कोशिश करेगा उस डब्बे के अंदर ना, जिस डब्बे में आप लोग बैठे हुए हैं, तो सब उसको रजिस्ट करेंगे, जगह नहीं देंगे, होगा ठीक है, अगर बुकिंग वाला डब्बा नहीं है तो। जो कोशिश करके धक्कम पेल करके हैदराबाद से घुस गया ना, तो वो अब अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद जब ट्रेन पहुंचेगी रोड़ी के ऊपर ना, तो जो रोड़ी से चढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो कराची वाले और हैदराबाद वाले मिलकर रोड़ी वाले को रोकेंगे। जो रेड़ी से चढ़ने में कामयाब हो गया, मुल्तान जब पहुंचेगी ट्रेन ना, वो सब मिलके मुल्तान वाले को। तो ये पिशावर तक पहुंचते पहुंचते आपके साथ आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो लोग पहले से चढ़े हुए होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते चले जाते हैं, नए आने वाले को सब ठोंगे मारते हैं। जितना ये होता है ना, मुर्गियों के दड़बे के अंदर ना, आप एक नई मुर्गी को छोड़ दो तो सारी मुर्गियां मिलके उसके खिलाफ महाज बना लेंगी और उसको मारना शुरू कर देंगे। वो एक दो दिन पिट पिटा के बेचारा, जब वो रिटेलिएट करेगा जो कुछ भी होगा, उसके बाद जाके उसकी जगह पर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये बड़ी एक, वैसे तो बड़ी क्रूट सी एग्जाम्पल है, लेकिन ये बड़ी प्रैक्टिकल है और ये अप्लाई होती है, और ये आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरपर्सनल क्या होता है भाई? आप लोग ये नहीं, 8 आदमी बैठे हुए हैं, व्हाट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? भाईजान तो क्या हो गया, सवाल पूछा है मैंने आपसे, ये मैंने लिखा है ना, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशन, व्हाट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? कोई है मौजूद मेरी आवाज सुन रहा है, ये सो गए हैं सब? हेलो, सर, ये जो रिलेशन है, शायद जो हम लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ जो अगर कोई कुलीग है तो कुलीग के नजरिए से, और देखें इंटरपर्सनल सर जैसा कि ये नाम बता रहे हैं ना, ये एक से ज्यादा लोगों की दुनिया। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि शायद जो लोगों से दोस्ती बनाए अपने मफाद के लिए, इंटरपर्स शायद अपने मफाद के लिए। अच्छा देखें, एक मिनट एक मिनट, जरा सॉरी जी, वो यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी। देखिए, इंटरपर्सनल का मतलब ही ये है कि एक से ज्यादा इंसानों के दरमियान ताल्लुक। अच्छा, अब बाज ये होता है, बाज लोगों का इम्प्रेशन ये होता है कि ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा रूड है, ये है। तो आपको जो तरीका होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेहतर करने का, कि सबसे बड़ी बात जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि सलाम में पहल करो, ये सोचे समझे बगैर कि ये सामने वाला जो है सिक्योरिटी गार्ड है, ये कंपनी का एमडी है। अगर आपने सलाम
सलाम में पहल करने की आदत डाल ली, तो फिर आपका एक रिलेशनशिप उसके साथ बनना शुरू हो जाता है। फिर जब आप जाएं तो किसी भी शख्स से बात करने से पहले सलाम करके बात करें और उससे कहें कि ये आपके पास कुछ वक्त है मेरी बात सुनने के लिए, तो अगर वो उसके पास वक्त होगा तो वो आपकी बात सुन लेगा, वरना आपको कहेगा कि आप बाद में आ जाइए, मेरी बात बाद में आके मैं आपसे मिलूंगा, जो टाइम देगा उसके ऊपर आप जाएं। तो रफ्ता रफ्ता आपका जो एक ताल्लुक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कि आपको जेंडर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मतलब अगर आप जिस डेस्क पे काम से गए हैं, जब आप जिस ऑफिस में कुलीग के पास काम से गए, अगर वो खातून है तो आपको दूसरे तरीके से बात करनी, कोई मर्द है तो आपने दूसरे तरीके से बात करनी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जब आप करते रहेंगे ना, तो एक दिन में नहीं होता, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, लोगों के साथ एक ताल्लुकात बन जाते हैं, फिर वो आपकी बात तवज्जो से सुनना शुरू करते हैं। दूसरी बात है एम्फेटिक लिसनिंग। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सिंपैथी लफ्ज होता है, एक लफ्ज होता है एम्पैथी। कोई मुझे बता सकता है सिंपैथी का क्या मतलब है और एम्पैथी का क्या मतलब है? सर अगर किसी के साथ हम किसी का हम बांटे तो सिंपैथी, और एम्पैथी उसका उलट होगा, जो अगर किसी को गमगीन है तो उसकी हम और मतलब उसको और गमगीन करें। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है यार, गमगीन को और गमगीन करोगे तो ये एम्पैथेटिक लिसनिंग हो जाएगी। और कोई जनाब? क्या हो गया भाई? देखिए सिंपैथी को अगर आप डिक्शनरी में की बोलें, सर सिंपैथी कहते हैं हमदर्दी को, यानी कि आप जो है ना हमदर्दाना तरीके से आप उनकी बात सुनते हैं, और एम्पैथी आपका कोई रिलेशन होता है उनसे, आप मतलब वो हमदर्दी नहीं होती, आप दिल से उनकी बात सुन रहे होते हैं। ओके, आप नजदीक हैं लेकिन सही नहीं है। सिंपैथी बिल्कुल सही है कि आपके पास आपने किसी कोई देखा, कोई परेशान है, कुछ है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने अल्फाज से उसको ये मैसेज दें कि जी मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपका एक कुलीग आया, उसकी आंखें लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े भी ऐसे हैं, उससे आपने पूछा भाई खैरियत तो है, सब क्या हुआ? उसने कहा जी रात को अब्बा की तबीयत खराब हुई, अस्पताल लेके गया, डॉक्टर ने बताया कि अंजाइना का अटैक है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, अंजाइना सारी रात जागते में गुजरी, लेकिन सुबह ऑफिस आना था, भाई को छोड़ के मैं यहाँ पे आया। अब सिंपैथी क्या होगी कि आप उससे कहो कि यार आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर, और अल्लाह ताला सेहत देगा, तो घबराओ मत, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है ना। ये हो गया सिंपैथी कि आपने उसकी तकलीफ को, उसके दर्द को महसूस करके चंद जुमले अदा किए कि उसके दर्द को आप कम कर सकते। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी अपने आप को उस शख्स की जगह पे रखना। मिसाल के तौर पे वही सिनेरियो है कि एक कुलीग आपके पास आया है उस हुलिये के अंदर, और आपने उससे पूछा कि जी क्या हुआ? उसने कहा जी रात को अब्बा की तबीयत खराब हुई, उनको चेस्ट पेन हुआ, लेके गए अस्पताल, उन्होंने एंजाइना पेन बताया। आप देखो यार एंजियोग्राफी होगी तो क्या होता है क्या नहीं होता। यू फील दैट ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, यानी उसकी सिचुएशन को आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो कि अगर इसकी जगह मैं होता, रात के 11 बजे या 12 बजे अब्बा के सीने में दर्द होता, गाड़ी निकाल के या मोटरसाइकिल पे या एम्बुलेंस में लेके उनको अस्पताल में जाता, वहां जाके जो पाकिस्तान के अस्पतालों का हाल है उससे मैं गुजरता, और सुबह को दफ्तर आता, तो मेरे क्या फीलिंग होती? यू पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन पोजिशन, समझे आप, कि आप उसकी जगह जाके, इसको अंग्रेजी में एक मुहावरा भी है, टू वॉक अंडर समबडीज स्किन, टू वॉक इनटू समवन एल्सस शूज, यानी आप किसी के जूते पहनने का ये मतलब नहीं होता कि आपने बड़े भाई के बड़ी बहन के जूते पहन लिए, नहीं, कि आप अपने आप को जिस सिचुएशन में वो आदमी या वो शख्स है, अपने आप के ऊपर वो सिचुएशन मेंटली लेके आओ कि अगर ये सिचुएशन, ये तकलीफ, ये मुसीबत मेरे ऊपर आई होती तो हाउ वुड आई एफर्ट, तो फिर आप उसको समझ सकते हो, उसके जज्बात को। बाज दफा ये होता है ना कि आपके पास फोन आया कि जी फलाने कुलीग की वालदा एक्सपायर हो गई, ठीक है ना। एक तो ये होता है कि आपने उसको एक एसएमएस लिखा, यार आई एम रियली सॉरी आई हर्ड अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ योर मदर एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, और अल्लाह ताला जो मगफरत करे और जन्नत में दर्जा दे, ये आपने लिख के एक आपने अखलाकी फर्ज पूरा कर दिया। आपको कितना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि जब किसी कुलीग के इमीडिएट रिलेशन की कोई डेथ होती है तो वो सर्कुलर आता है।
लेकिन एम्पैथी में क्या होगा कि यू फील कि अल्लाह ना करे अगर आपकी माँ दुनिया से गुजर जाए तो आपके क्या जज्बात हैं, एंड देन फिर उसके दर्द को समझने की कोशिश करें। जब कोई आदमी एम्पैथेटिक लिसनिंग से मुराद ये है कि यू पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन पोजिशन और फिर उसकी बात समझने की कोशिश, अदरवाइज तो आप मतलब आपके कान अगर आप बंद कर लें अपने वो कर, अच्छा हाँ यार ठीक है अब्बा की तबीयत खराब हो गई, ठीक है यार होती रहती है वो, चाहे जबान से आप ना कहो अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने दिल से। तो अगर आपने किसी को एम्पैथेटिक लिसनिंग दी जब वो तकलीफ में था उसके साथ आप खड़े हुए, तो वो शख्स जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, आपके साथ वो एक उसकी जो रिलेशनशिप होगी वो हमेशा चलेगी। ठीक है, ये बहुत और ये जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी होता है, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं, ये चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप खानदान के अंदर हो, चाहे आप दोस्तों के स्कूल के दोस्तों के साथ हो। बात ताल्लुक ऐसा होता है ना कि आपने स्कूल में पढ़ा उसके बाद कुछ लोग एक तरफ चले गए, कुछ लोग एक तरफ चले गए, कुछ से आपका रापता रहता है, कुछ से आपका रापता नहीं रहता, लेकिन जब भी आपको पता चलता है अगर आप पुराने दोस्तों के साथ रापता करेंगे, उनकी किसी तकलीफ में खड़े होंगे, देन यू विल बी ओके, ये आप करेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, क्लास में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि हमारे दरमियान जो गुफ्तगू के अंदर जो एक लफ्ज आ गया है ना, यार ये हो गया, यार फलाना हो गया, यार तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा यार ये हो गया, मतलब ये लैंग्वेज जो है कभी भी ज्यादा से साथ, आपको इसको अपने बड़ी मेहनत से आपको इसके ऊपर अपने ऊपर कोशिश करेंगे आप, तभी जाके आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज, जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक, मतलब स्नोबिश भी नहीं होना है आपने कि जो आप लगे कि आप दूसरे को अखीर समझ रहे हो, आप सुपीरियर हो दूसरा इंफीरियर है, लेकिन साथ साथ आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, क्लासरूम के अंदर हो, आप ऑफिस के अंदर हो, आप खानदान के अंदर हो, कहीं भी आप हो, किसी भी माहौल के अंदर आप हो, आप रेस्टोरेंट में भी अगर खाना खा रहे हैं तो अगर वेटर को आप ओए कह के बुलाने की जगह एक्सक्यूज मी करके बुला लेंगे ना, तो दैट विल शो कि जी आपके घर की तरबियत की है, आपका माहौल कैसा है, ये लैंग्वेज का प्रॉपर। फिर इंफॉर्मेशन फीडबैक लैक ऑफ, मतलब आप जो आपको काम कहा गया है अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे को नहीं देंगे ना, तो कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। अंग्रेजी में कहते हैं कि नेवर ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यानी आपने जो काम किया उसको बड़ा चढ़ा के मत बयान करो, ये बुरी बात समझ जाती है। लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि जो आपने काम किया किसी को मत बताओ, किसी को पता ना चले कि आपने क्या काम किया। ठीक है ना, अभी हम एक मसले में फंसे हुए सिटी सेंटर का, जो हमारे एसडी कैंपस का जो बिल है, कि इन्हें उल्टा सीधा उठा के भेज दिया हमें, वो समझ रहे हैं कि हमारा मीटर खराब है। अब उनको ये समझाने में पिछले 3 दिन गुजर गए मेरे और मेरी पूरी टीम के, कि भाई 10 महीने 12 महीने से क्लासें नहीं हो रही, ऑनलाइन पे हम चल रहे हैं, तो जो पिछले सालों के बिल है बिल तो कम आएंगे। अब ये वहां पे भी कुछ जाहिल नहीं बैठे गए, ठीक है ना। अब मुझे ये काम जो है वीसी साहब की तरफ से आया है कि जनाब ये नोटिस आया है कई, तो अब मुझे उनको फीडबैक देना पड़ेगा, जनाब ये हुआ, मैंने अभी जिस साहब का फोन आया था मैंने म्यूट किया था, उनको मैं यही बता रहा था कि भाई आप ये फलाने आदमी से मिल लें, और ये जो जो कुछ भी इंफॉर्म, तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो काम आप कर रहे हैं उसका फीडबैक देना भी आप ही की जिम्मेदारी होती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, एक होता है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल क्या होता है कि मिसाल के तौर पे, क्या मिसाल दूं आपको, एक एक साहब है जिनकी दाढ़ी है या टोपी लगाते हैं वो, अब आपका एक परसेप्शन बन गया उसके मुताबिक, आप अपने दिमाग में उसका एक परसेप्शन बना लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसा होगा, चाहे वो बंदा ऐसा ना हो, लेकिन आप सर्टन अजम्पशन कर लेते हैं उसके हुलिये को देख के उसके मुताबिक। मैं अपना आपको तजर्बा बताऊं, अभी मैं यहाँ पे एक PhD स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, ऐसे जाके मैं बैठ गया, उनके जो एक्सटर्नल आए हुए थे उनका अगर मैं हुलिया देख के, तो मेरा परसेप्शन बड़ा एक अजीब सा बना कि जी टखनों से ऊंची शलवार है, तो मतलब शलवार कमीज है, तो टोपी है सर के, वो मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा। लेकिन जब उस बंदे ने बोलना शुरू किया और उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जो उसने अपना फीडबैक दिया, मेरा जो इम्प्रेशन पहला इम्प्रेशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया, और मैंने फिर उनसे कार्ड लिया, अपना कार्ड उनको दिया, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मिलते रहिएगा, आपसे बात करके बड़ी खुशी। तो ये हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये बेटी बैठी हुई है हमारे सभी, ये हिजाब लेती है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिजाबी कल्चर को पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे मल्टीनेशनल कल्चर के अंदर, अगर कोई बच्ची कोई खातून हिजाब लेती है ना, सर्टेन एक बैरियर्स बन जाते हैं उसके,
ठीक है ना। अब आपको इस बैरियर्स को ओवरकम करना है, ये नहीं कि आप लोगों के हाथ पे हाथ मार के बात करें, नहीं, अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से आप इस परसेप्शन को तोड़ दें, ठीक है ना। कभी भी किसी के मुतालिक ना कोई अपना ना आप बनाएं और ना हो। इसी तरीके से बाज दफा आपको क्यूज मिलते हैं, एक मिनट भाई, तो ये जो है ना आपको, अच्छा बाज दफा कुछ इवेंट्स होते हैं जो किसी चीज को ट्रिगर करते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती है लेकिन आपका मूड भी खराब होता है, किसी ने कोई आपको कोई तंजिया जिमला कुछ कह दिया तो आपका जो रिएक्शन होता है ना वो आपके जो परसेप्शन आपके मुताले होता है उसमें पूरा उतर जाता है। तो आप इन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, अपने जो बैरियर्स बने हुए हैं परसेप्चुअल बैरियर उनको तोड़ना पड़ता है, और ये एक स्ट्रगल होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप करते रहेंगे तो इनशाला बेहतरी आएगी इसके अंदर। किसी भी बैरियर को ओवरकम करने के जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू आर ए गुड लिसनर, नथिंग लाइक इट। इस दुनिया में पाकिस्तान के अंदर 90% 95% लोगों का मसला ये है कि उनकी कोई बात नहीं, बच्चे बाप की नहीं सुनते, बेटियां माँ की नहीं सुनती, बच्चे माँ की नहीं सुनते, उस्ताद जैसा उस्ताद कहता है कि बच्चे मेरी नहीं सुनते, हर आदमी को ये शिकवा है कि मेरी कोई नहीं सुनता। तो इफ यू आर ए गुड लिसनर, दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाए। ये आपको लिसनिंग एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, जैसे कि मैं आपको स्टीवन कवी की मिसाल दे के बता चुका हूँ कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले जो बोल रहा है उसकी बात जवाब देने से पहले उसकी बात सुन लो कि, और उसको दोबारा ब्रीफ कर दो कि भाई आपने यही बात कही है, ठीक है। अच्छा, और जो ये जो परसेप्शन की मिसाल दी जाती है ना हाफ एम्प्टी हाफ फियर की, ये इंसान के अंदर एक इनबिल्ट चीज होती है। देखिए एक बात आपको मैं आज बता रहा हूँ, जो बातें ये मैं बता रहा हूँ ये ऐसी नहीं है, ये हार्वर्ड की स्टडीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हार्वर्ड की एक बड़ी मशहूर कहानी, एक प्रोफेसर जो था वो एक क्लास के अंदर आया और उसने आके $20 का नोट निकाला, सब स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा कि ये क्या है। उसने कहा सर $20। अच्छा, उसके बाद उसने उस नोट को पकड़ा हाथों में, खूब मसला उसको अच्छी तरीके से, और बिल्कुल उसकी शक्ल बिगड़ गई, और फिर बच्चों को दिखाया कि ये क्या है, सर $20 का नोट है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको जमीन पे गिराया, अपने जूते से उसको मारना शुरू किया, खूब उस पर मट्टी लग गई। उसने फिर उठाया, उसने कहा कि ये क्या है, सर ये $20 है। उसने कहा यही चीज तुम्हारे साथ जिंदगी करेगी, देखो तुम्हारी जो वर्थ है ना एज ए ह्यूमन एज ए प्रोफेशनल तुम्हारी जो वर्थ है वही रहेगी, लेकिन दुनिया तुम्हें ठोकरे भी मारेगी, अपने कदमों के नीचे भी लेके आएगी, ठीक है ना, तुम्हें थप्पड़ भी मारेगी, सब कुछ तुम्हारे साथ होगा, लेकिन अगर तुमने अपनी वर्थ को समझ लिया कि तुम्हारी वर्थ जो है इस $20 के नोट की तरीके से है कि जहां भी तुम जाओगे इस नोट को किसी भी हालत में होगा, अगर फटा हुआ नहीं होगा तो उसके बदले में गुड्स भी मिल जाएंगी या इसके बदले छोटे पैसे छोटे डॉलर के नोट भी मिल जाएंगे। तो ये चीज जिंदगी का एक तजर्बा होती है कि आपके दिमाग में फियर होता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त था, उसको ये फियर था कि जी मेरा प्रोफेसर जो है जिसके साथ मैं PhD कर रहा हूँ यहूदी है, मुझे फेल कर देगा। और मैं कहता था भाई ऐसा नहीं होता, ये वेस्ट है, यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं। आप यकीन कीजिए कि जब रमजान आया तो वो प्रोफेसर उस अपने स्टूडेंट को ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया। मैंने कहा जी खैरियत है, कहने लगा ये मैंने रमजान आ गया तुम लोग नमाज पढ़ोगे, जोहर असर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हो जाएगी, यूनिवर्सिटी से कह के कमरा तुम्हारे लिए अरेंज कराया है जिसके अंदर मैंने एक मैट डलवा दी है ताकि तुम जितने भी मुसलमान लड़के हो जोहर असर की जमात कर सको जाके कमरे। ये बात बता रहा हूं मैं आपको 1986 की आपकी पैदाइश से पहले। एक उसके जहन में एक फॉल्स फियर था कि जी यहूदी तो मेरा बड़ा गर्क करेगा,
लेकिन उस यहूदी ने क्या किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हम लोगों के मुताबिक अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे साथ ये डैमेज कर देगा, ये कर देगा, वो ऐसा होता नहीं है। तो फॉल्स फियर को जिंदगी से निकालना पड़ता है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन हम अपने जो फियर्स हैं उनको रखते हो। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने आप क्लास में भी बताया, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव, स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है ना। जब किसी के ऑफिस में जा रहे हो तुम्हारी कमीज बाहर ना निकली हुई हो, आपके जूते साफ हों, ये चीजें, और आप ये जब भी बात करो आंखों में आंखें डाल के बात करो, ये चीज आपके कॉन्फिडेंस में इजाफे का सबब बनती है, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक पे मैं आपके साथ आ रहा हूँ कि सेवन सीज क्या होते हैं, बैरियर्स की तो हमने बात कर ली, जो कम्युनिकेशन के सेवन सीज क्या होते हैं। पहला है कंसाइजनेस, दूसरा है कंसिडरेशन, तीसरा है करेक्टनेस, चौथा क्लैरिटी, कर्टिसी एंड कंसर्टनेस, ठीक है ना, कंसियर्डनेस, ठीक है। ये सात चीज कम्युनिकेशन के अंदर कहलाते हैं और यही कम्युनिकेशन की बेस होते हैं। इनको अगर आप अच्छी तरीके से सुन लेना, ये जो बात होती है ना कि जो शख्स नो से स्टार्ट करता है ना, नोबडी लाइक्स दैट पर्सन, चाहे वो बाद में उस काम के लिए हामी कर दे। आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपने किसी को काम असाइन किया, कोई कहा कि भाई ये काम कर लो, वो स्टार्टिंग नो से करता है कि ये नहीं हो सकता। फिर आप जब उसको बहस करेंगे, उसको समझाएंगे, रफ्ता रफ्ता 10-15 मिनट के बाद वो आँख के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आदत होती है ना, ये बड़ी डेंजरस और खतरनाक होती है कि आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ये तो स्टार्टिंग नो से करेगा। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये 5 W's और 1 H रूल कहलाते हैं। जब भी आपसे कोई बात की जाए, ये शायद आप में से कोई लड़का जो प्रेजेंट कर रहा था उसने ये इसकी बात भी की, 5 W और 1 H, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ की बात हो रही है, when, where, why और how, यानी अगर आपको कोई बात कही जा रही है तो पहले आपने देखना है जो बात आपसे कर रहा है, हु कौन है, जो शख्स है जो आपसे बात कर रहा है, वो आपका कुलीग भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सपोर्टर जो आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं, किसी चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं, आपको वो पता होना चाहिए। ये जब 5 हु आप अप्लाई कर लेंगे, 5 W अप्लाई कर लेंगे, 1 H, देन यू विल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की कंप्लीटनेस को आप समझ। कंप्लीटनेस लाने के लिए आपको इन 5 W's के ऊपर काम करना पड़ेगा और एक हाउ आपको, यानी वो काम कैसे होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो है 5 कंप्लीटनेस। दूसरी चीज जो भी क्लैरिटी, ठीक है, ये मैंने एक तस्वीर किसी ने मुझे भेजी थी वहां से उठाई, एक फिल्म शायद आपने देखी, 3 Idiots, देखी आप लोगों ने ये फिल्म? यस सर। जो स्टूडेंट है उसने ये फिल्में देखी ना, तो उसकी तालीम मुकम्मल नहीं है मेरे ख्याल से। ये उसका एक सीन है कि जब वो पेपर दे रहे होते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, तो उसे पूछता है ना कि आपको पता है हम कौन है, वो कहता है क्या, वो जी कहता है कि मैं नहीं जानता, वो पेपर मिक्स करके चला जाता है। ये वहां से कहना क्या चाहते हो, आपकी जो बात भी हो ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप कोई कहानियां ना करें, घुमा फिरा के बात ना करें। बाज़ औक़ात घरों में अक्सर रहता है कि वालदैन मैसेज देने के लिए इतना घुमा फिरा के किसी की मिसाल दे के आपको मैसेज दे रहे, अगर वो क्लियर कट आपको कहते हैं कि भाई ये बात है, ये काम ऐसे करना है, ये इसको इस तरीके से कर लो, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर बात करो, लंबी लंबी मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करने से कोई काबिलियत नहीं आती है। क्लैरिटी ऑफ मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूजिंग शोइंग दैट यू नो योर वोकैबुलरी इज वेरी गुड, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज और टोन की तो मैं हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टोन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज द सोल ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक आप क्लियर नहीं है अपने माइंड के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो सेनेटर बन गए, तो उन्होंने मुझे फोन किया इस्लामाबाद से कि भाई मुझे बजट के ऊपर तकरीर करनी है, मुझे 3 पेज की तकरीर लिख दो। अब जाहिर है कि आपका दोस्त अगर सेनेटर बन जाए तो आपको लिहाज तो करना पड़ता है। अब उनके लिए मैंने इतने सादा अल्फाज में उनको 2-3 पेज लिख के दिए, उर्दू के अंदर तकरीर लिख के दी उनको, कि ताकि वो वहां पे बोल सकें। और अपना, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो बोलने वाला है ये वकील है, अगर मैं टेक्निकल बातें इसको बताऊंगा, बजट के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, हेल्थ पे क्या खर्चा हुआ है, कितना होना चाहिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्या है,
ये शायद वहां पे एक्सप्लेन ना कर सके। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे उसको जहन में रखते हुए मैंने उसको लिख के सिंपल सिंपल उसको जुमले लिख के दिए और उसने तकरीर की और फिर उसने मुझे मैसेज भेजा कि मेरी तकरीर को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने उससे यही कहा कि तुमने तो मुझे चाय भी नहीं पिलाई और इतना बड़ा काम करा लिया। तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मोटे मोटे जुमले पे स्टेट्स के ऊपर। अभी सिंध असेंबली की मैं एक देख रहा था, मेरी दोस्त है एमपी है राबिया निजामी, वो जब तालीम के ऊपर बात कर रही थी, मैंने बाद में उसको मैसेज किया, मैंने कहा राबिया तुम अपने टाइम को तुमने बर्बाद किया है, जो तुम पिछले 3 साल के बजट लेके बैठ के बात कर रही हो, यूं नहीं हुआ इतना बजट जाया हो गया, ये हो गया इतने। अरे भाई खुदा की बंदी सीधी बात करो कि हमारे बजट की कितनी परसेंटेज जो एजुकेशन पे सिंध की लग रही है, उसमें से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितने, डेवलपमेंट कितने एक्सपेंडिचर कितने, स्कूल्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को किताबें फ्री देनी चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग आप करके कोई बेहतरी लाने की कोशिश करो। अगर तुम इसमें पड़ जाओगी कि पिछले साल इतना बजट एजुकेशन का लैप्स हो गया, उससे पिछले साल इतना लैप्स हो गया, आप फिर इतना रख रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तुम आगे की बात करो, आगे कैसे चलना है, आगे कैसे करना है। क्लैरिटी आपकी बात के अंदर होनी चाहिए ताकि आप अपनी बात को समझा सकें। अच्छा भाई मेरे पास टाइम रह गए इस वक्त 3-4 मिनट रह गए हैं, इसके 4-5 पॉइंट और हैं, मैं ब्रेक करके इस वीडियो को सेव करके मैं वापस आता हूँ, इन पॉइंट्स को खत्म करके। अगर आपको अपने पेपर के मुताबिक, फाइनल पेपर के मुताबिक मुझसे कोई सवाल करने हैं तो पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, ताकि और उसके बाद ये आखिरी क्लास को खत्म करें। वैसे भी आप लोगों को दिलचस्पी तो है नहीं, अभी 11 लोग सिर्फ अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को, तो मैं तो आपसे आप